हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक पार्टी स्पीकर, ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर, जिसका नाम है मैक पावर SP202 पार्टी सीरीज। तो इस तरीके का ये स्पीकर है, इस तरीके से इसकी पैकिंग है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ मैसिव साउंड, ऑक्स वायर की कनेक्टिविटी है, लॉन्ग बैटरी लाइफ, MP3 प्लेबैक, FM रेडियो, USB ड्राइव। तो इस तरीके से इसकी कुछ पैकिंग है, आप देख सकते हैं इसके साइज के बारे में। ये है हमारा स्पीकर, ये देख सकते हैं इसका फ्रंट। फ्रंट से काफी अच्छी लुक दे रखी है। दो स्पीकर हैं इसके, लगभग 5 इंची के। मैक पावर इन्होंने यहाँ ब्रांडिंग कर रखी है। ये क्रोम में आपको ये प्लेटेड दिखेगा। ये आप स्टील की जाली है और दोस्तों ये पूरा वुडन में है। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि वुडन में जो बॉक्स होते हैं उनकी आवाज काफी अच्छी आती है। इस तरीके से ये इसका साइज रहेगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पोर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप पोर्टेबल स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है कि पोर्टेबल स्पीकर के लिए इसे ना लें, इसे एक पार्टी स्पीकर के पर्पज से यूज करें। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके बैक साइड में कंट्रोलर्स दे रखे, इसके वो दे रखे हैं। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, ये आपका ऑन ऑफ है, ये ऑक्स है, ये आपकी USB पोर्ट है, ऊपर आपका माइक्रो SD पोर्ट है और ये चार्जिंग केबल है, माइक्रो USB चार्जिंग है इसमें। इस तरीके के 4 बटन्स दिए गए हैं यहाँ। मोड है, सोर्स जिसे कहते हैं आप, FM, ऑक्स, जो भी चलाना है आपको मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम डाउन है और ये प्ले एंड पॉज है बीच वाला। तो ये पूरा वुडन में है, ये आपका प्लास्टिक का है कंट्रोल पैनल पूरा। और एक इसमें अच्छा ये है कि इसमें एक आपको मोबाइल स्टैंड दे रखा है। मोबाइल आप ऐसे रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लगेगा आपका मोबाइल। सॉरी, कवर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से ठीक है। सीधा रखना चाहते हैं तो सीधा भी लग जाएगा इस तरीके से। ये इसकी खासियत है ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो मुझे जो है दिल्ली NCR में इसका प्राइस पूरा 1000 रुपीज पड़ा है। हो सकता है मैं अगर थोड़ी बहुत नेगोशिएशन कर लेता तो वो 100-150-200 हो सकता है, कम भी कर लेता। थोड़ी सी मैंने करी थी, 1050 उन्होंने बोला था, 1000 रुपये में मुझे ये दिया है। और रिटेल से लिया है मैंने, ना कि ऑनलाइन, पास ही की एक रिटेल शॉप है वहीं से लिया था। तो दोस्तों इसके साउंड के बारे में बात करूं तो वाकई में ये पार्टी स्पीकर है, बहुत ही जबरदस्त आवाज है इसकी। क्योंकि इसके पीछे एक यहां से एयर निकलने के लिए वो भी दे रखा है होल, हालांकि इसमें कोई स्पीकर नहीं है, अंदर ही स्पीकर दिखा रहा है इसमें। लेकिन जब बेस साउंड होती है तो इसमें से एयर निकलती है, एयर पास होती है, उसकी वजह से साउंड क्वालिटी काफी एनहेंस हो जाती है। और दोस्तों बात करूं अगर इसकी बैटरी बैकअप की, तो जो बॉक्स पे मेंशन है वो 2-3 आवर्स है। लेकिन ये देखिए, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बॉक्स पे जो लिखी हुई है, 1800 mAh की बैटरी है, प्ले टाइम अप टू 4 आवर्स, चार्जिंग टाइम 2-3 आवर्स। तो हकीकत में 4 घंटे से ऊपर का ये बैटरी बैकअप दे रहा है मुझे। और साउंड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, एक बार मैं आपको साउंड टेस्ट करा के दिखाता हूँ इसका। इसकी एक जो मेरे को प्रॉब्लम ये लगी कि जब इसको ऑन करते हैं ना, ये देखिए ऑन हो गया। वेलकम टू मैक पावर म्यूजिक वर्ल्ड, द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। तो ये जब बोलती है ना, ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर, ये बहुत ही लाउड बोलती है, इतना लाउड नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ। द ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली, कनेक्ट हो गई है। अब मैं आपको सुनाता हूँ सॉन्ग को इसमें। तो एक बेस्ट वीडियो में चला रहा था इसमें, देखते हैं चला के इसको। डाउनलोड शक्ति वॉल्यूम अप कर देते हैं यहां से।
जैसा कि आपने सुना, ये लगभग 50% वॉल्यूम थी और आवाज़ काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपका बजट 1000 रुपये के अंदर एक पार्टी स्पीकर लेने का है तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू।